गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पर्सन चेंजिंग में स्टेप थ्री को डिस्कस कर रहे हैं और स्टेप थ्री में हम डिस्कस कर रहे हैं वी को कैसे बदला जाता है। देखिए वी के बदलने के हर जगह अलग नियम मिलेंगे। एक्टिव पैसिव में आप देखिएगा, जब हम वी को यानी लेटर्स वाले वाक्यों को बदलते हैं तो उसका अलग नियम है, वैसे ही डायरेक्ट डायरेक्ट में आपका अलग नियम है। तो वी को बदलने के कुछ स्पेशल रूल्स हैं जिसमें हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं। आज हम इस वीडियो में उन्हीं कंफ्यूजन्स को दूर करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, क्योंकि आप वीडियो में खो जाने वाले हो। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो एडवांस, जो आप कह सकते टॉप लेवल की तैयारी कर रहे हैं। नॉर्मली ये बच्चों को समझ नहीं आता, इसलिए मैं इसको अलग से मैं इसकी वीडियो बनाई है। तो वी को कैसे बदला जाता है हम उसका पहले बात करेंगे। तो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, वी को सिंगुलर से चेंज करिए या प्लूरल से चेंज करिए, वी के स्थान पर सदैव प्लूरल प्रोनाउन ही आएगा। ये सबसे डिफरेंट बात है। अब तक हम क्या कर रहे थे, जिस भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम चेंज कर रहे थे उसके जेंडर और उसके नंबर के अकॉर्डिंग ही हम प्रोनाउन लगा रहे थे, लेकिन वी में बिल्कुल अलग है। वी को आप सिंगुलर से चेंज करो या प्लूरल से, वी में हमेशा प्लूरल ही प्रोनाउन आएगा। सी सेट वी आर फ्री। अब तक हम बात कर रहे थे कि जिस भी प्रोनाउन को बदल रहे होते हैं उस प्रोनाउन उस सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं, उसके पर्सन उसके नंबर के अकॉर्डिंग बदलते हैं, लेकिन वी में हमें उस नंबर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करना है, बल्कि वी के स्थान पर सदैव प्लूरल प्रोनाउन ही आएगा। वी प्लूरल है और सी जो है हमारा सिंगुलर है। जनरली तो हम सी को लिखते थे जहां वी ना होता था, अब हम क्या करेंगे, सी सेट दैट। अब वी प्लूरल है तो हमें सी का प्लूरल लिखना पड़ेगा। सी का प्लूरल क्या होता है आप जानते हो, प्रोनाउन तीन ही प्लूरल होते हैं, एक वी, एक यू और एक दे। हालांकि यू सिंगुलर भी होता है, यू प्लूरल भी होता है। तो ये तीन ही प्लूरल प्रोनाउन है, वी यू दे, यानी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है वी, सेकंड पर्सन का प्लूरल यू और थर्ड पर्सन का प्लूरल दे। तो जब हम वी को चेंज कर रहे हैं और एक थर्ड पर्सन से चेंज कर रहे हैं तो थर्ड पर्सन का प्लूरल आएगा। थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या होता है, थर्ड पर्सन का प्लूरल होता है दे। तो यहां पे क्या आएगा, यहां आएगा दे। अब ये पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है, इज आर एम का वॉइस वर्ब हो जाएगा। और एग्जांपल देखें, सौरभ सेड, सौरभ सेड वी कैन नॉट हेल्प हर। सौरभ का मतलब क्या हुआ, किसी भी सिंगुलर मैस्कुलाइन को हम ही मानते हैं, सिंगुलर फेमिनाइन को सी मानते हैं, सिंगुलर न्यूट्रल जेंडर को हम इट मानते हैं और थर्ड पर्सन का प्लूरल कोई भी हो हम उसको दे मानते हैं। तो सौरभ को तो हमने यहां ही माना, लेकिन चूंकि हम बी को चेंज कर रहे हैं और बी प्लूरल है तो थर्ड पर्सन का प्लूरल आएगा। थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या होता है, अभी आप होता है तब भी होता है, इसलिए हो जाएगा इसका सौरभ सेट दैट दे, वी को हमने दे कर दिया। कैन प्रेजेंट टेंस इसका पास्ट हो जाएगा, कुड नॉट हेल्प और हर थर्ड पर्सन है इसमें नो चेंज। तो ये था पहला रूल कि वी को जब बदला जाएगा तो हमेशा प्लूरल प्रोनाउन में बदला जाएगा। दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल आप डिस्कस करेंगे, तो यदि वी का प्रयोग
पूरी मानव जाति के लिए किया गया है तो वहां वी को बदला नहीं जाता है। यदि वी का प्रयोग पूरी मानव जाति के लिए किया गया है तो वहां वी को बदला नहीं जाता है। एग्जाम्पल देखें, He said, "We are mortal. We are mortal." उसने कहा हम नश्वर हैं। हम शब्द किसके लिए आया यहां? हम शब्द आया पूरी मानव जाति के लिए, हम नश्वर हैं। तो यहां पर बी को बदला नहीं जाएगा। दूसरा फैक्ट, यह एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि कोई भी व्यक्ति अमर नहीं है, सभी नश्वर हैं, इसलिए इसका टेंस भी चेंज नहीं होगा। तो इसमें क्या केवल कनेक्टर डेट जुड़ जाएगा। वी इसलिए चेंज नहीं होगा क्योंकि मानव जाति के लिए आया है, आर इसलिए चेंज नहीं हो रहा, यह एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि हम सभी नश्वर हैं। इसलिए ही सेड दैट वी आर मोर्टल। नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि इंट्रोडक्टरी स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया है तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए वी को बदला नहीं जाता है। एग्जाम्पल, आई सेड टू हर वी आर गुड फ्रेंड्स, वी आर गुड फ्रेंड्स। अब ध्यान देंगे सेट का टोन हो जाता है। अब यहां आई और हर एक फर्स्ट पर्सन है और एक थर्ड पर्सन है। प्रोनाउन का एक बेसिक रूल आप याद रखिएगा, फर्स्ट पर्सन के साथ एंड से कोई भी पर्सन जुड़ा हो, या कह सकते हो डायलॉग में फर्स्ट पर्सन के साथ कोई भी पर्सन आप जुड़ा हुआ है तो वो उसे वी बना देता है। आपको एक एग्जांपल बताता हूं, आपने बहुत पढ़ा है उसे। एक पहले तो फॉर्मूला आपको बताता हूं, आई और वी में हम कुछ भी जोड़ेंगे, कोई भी पर्सन जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाता है, वो उसे वी बना देता है। वो उसे क्या बना देता है? उसे वी बना देता है। अब एग्जाम्पल आपको एक प्रोनाउन का मैं दे रहा हूं, यू ही एंड आई। आप ध्यान करिएगा जहां दो पर्सन जुड़े हो या तीन पर्सन जुड़े हो, और वहां पर ध्यान रखें फर्स्ट पर्सन आया होगा तो ये तीनों मिलकर के ही यू एंड आई आपका क्या बन गई, आपका वी बन गई। क्या बन गए? वी बन गई। क्यों? हम आगरा जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हम आगरा या हम शब्द आने का मतलब है कि इसमें मैं, तुम और वह, यानी हम शब्द में तीनों पर्सन इंक्लूड हो जाते हैं। और इसीलिए ध्यान करें, इस तरह का एग्जाम्पल आप देखिएगा और आप उसमें आप देखेंगे यू ही एंड आई आर डूइंग आवर वर्क। आप ध्यान रखेंगे यहां आवर क्यों आता है? यहां आवर इसलिए आता है क्योंकि आई और वी के साथ कोई भी प्रोनाउन जुड़ जाएगा तो उसे वी बना देता है। आप इधर में देखेंगे प्रोनाउन वाले में तो यहां को अवर मिलेगा, वो इसलिए मिलता है क्योंकि फर्स्ट पर्सन किसी भी पर्सन के साथ जुड़ गया तो वह वी बन गया। इसी रूल के अकॉर्डिंग आई टोल्ड हर दैट वी को चेंज करेंगे। अब वी तो यहां सब्जेक्ट से चेंज होना चाहिए था, यहां पर फर्स्ट पर्सन आ गया तो यहां वी चेंज नहीं होगा, तो वी का वी रहेगा, इजारेम का वॉज पर हो जाएगा, वर गुड फ्रेंड्स, वर गुड फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, और नेक्स्ट रूल क्या है वो बिल्कुल ही अलग है इससे। अलग क्यों है? अब तक हम ये क्या पढ़ रहे थे कि वी के स्थान पर सदैव प्लूरल प्रोनाउन आएगा, लेकिन जब वी का प्रयोग किसके लिए किया जाए, जब वी का प्रयोग किसी न्यूज़पेपर या मैगजीन के लिए किया गया हो वहां
वी के स्थान पर जो पर्सनल प्रोनाउन आता है वो इट आता है, ये बिल्कुल अलग है। यानी जब वी का प्रयोग किसी न्यूज़पेपर, किसी न्यूज एजेंसी, किसी मैगजीन के लिए किया जाएगा तो वहां वी के स्थान पर इट आएगा। एग्जांपल देखेंगे, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स सेड वी आर नॉट रेस्पॉन्सिबल, वी आर नॉट रेस्पॉन्सिबल। अब हिंदुस्तान टाइम्स क्या है? एक न्यूज़पेपर है, और जब न्यूज़पेपर कहीं सब्जेक्ट है और वी को न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग जब चेंज किया जाएगा तो वहां हम न्यूज़पेपर यानी हिंदुस्तान टाइम्स के लिए, टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए कोई भी आपका न्यूज पेपर है उसके लिए हम क्या लगाएंगे? उसके लिए एक लगाएंगे, द हिंदुस्तान टाइम्स सेड दैट। वी को चेंज करेंगे हिंदुस्तान टाइम्स से तो यह आएगा इट वॉज नॉट रेस्पॉन्सिबल, इट वॉज नॉट रेस्पॉन्सिबल। तो ये वो बेसिक रूल्स थे जो हम वी को चेंज करने के पढ़ते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक जरूर करिएगा। यदि आप पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ प्रेजेंट होता हूं, तब तक के लिए।